गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप डिस्कशन का, मींस समूह विचार विमर्श, यानी कि ग्रुप में डिस्कशन करना, ठीक है ना। इट मींस देखिए, कक्षा कक्ष के अंदर जब हम होते हैं तो विद्यार्थियों को जो चीज स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए, विद्यार्थियों को जब विद्यार्थी कक्षा कक्ष में होता है तो उसको स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो वो अपने आप में कहीं समूह डिस्कशन कहलाता है, ग्रुप डिस्कशन उसको बोलेंगे। क्योंकि इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्र तरीके से, ठीक है ना, डिस्कशन के लिए किसी टॉपिक को लेके डिस्कस करने का क्या देता है, अवसर प्रदान करता है, ठीक है ना। इट मींस अगर देखा जाए तो ग्रुप डिस्कशन एक सुनियोजित ढंग होता है, तरीका होता है, ठीक है ना, जिसमें हम किसी विषय को लेके विचार विमर्श कर रहे होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक अध्ययन सामग्री को सही तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका, पढ़ने का तरीका और उसको ग्रुप में डिस्कस करने का तरीका क्या कहलाता है, ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। इसमें इस विधि के अंदर अगर देखा जाए तो स्वतंत्र तरीके से विद्यार्थी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें वाद विवाद भी होता है। मान लो हम ग्रुप में कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो उससे क्या होगा, बहुत से विचार आएंगे, ठीक है ना, आपके अलग विचार होंगे, आपके अलग विचार होंगे, आपके अलग विचार, मतलब डिफरेंट जितने स्टूडेंट होंगे उतने ही अलग अलग तरीके के क्या होंगे, विचार होंगे, ठीक है ना। और उन विचारों में फिर कहीं ना कहीं एक प्योरिटी भी नजर आती है। जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है और 40 स्टूडेंट एक तरीके से बात कह रहे हैं और 5, 6, 7 एक तरीके से बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 40 स्टूडेंट ने कंक्लूजन निकाला है थॉट प्रोसेस से, वो अगर देखा जाए तो सही ही साबित होता है, मानते हो। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि ग्रुप डिस्कशन से कोई ना कोई प्योर नॉलेज स्टूडेंट को कंफर्म होती है, पता चलती है कि ये एक अपने आप में क्या है, सही तरीके का ज्ञान है, नॉलेज है। उसके बाद इसके बारे में कुछ विद्वानों के विचार भी हैं, जैसे एक जो है विद्वान है जेम्स एमली। जेम्स एमली क्या कहते हैं, विचार विमर्श एक क्या है, सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया है। विचार विमर्श क्या है, एक सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। इट मींस द डिस्कशन इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी टू विच द टीचर एंड द स्टूडेंट्स टॉक ओवर सम प्रॉब्लम और टॉपिक, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन में विद्यार्थी और अध्यापक मिलकर किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते हैं, ऐसा कौन कह रहे हैं, जेम्स एमली, ठीक है ना। उसके बाद एक महोदय ने और विचार व्यक्त किए हैं ग्रुप डिस्कशन को लेके, वो है जॉनसन। कौन है, जॉनसन। जॉनसन क्या कहते हैं, विचार विमर्श अपने शुद्ध रूप में सामाजिक कार्य है। इट मींस डिस्कशन इज सोशल एक्शन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अगर देखा जाए विचार विमर्श अपने आप में शुद्ध रूप में क्या है, एक सामाजिक कार्य है, ठीक है ना, ये जॉनसन महोदय यहां पर कहते हैं। देखिए, शिक्षा मनुष्य की समस्याओं से संबंधित है। एजुकेशन कनेक्ट है किससे, व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन जो है शिक्षा के माध्यम से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। हम शिक्षा इसीलिए लेते हैं, केवल और केवल रोजगार पर शिक्षा हम
लेते तो हैं रोजगार पर शिक्षा, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य और भी होते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम किसी समस्या में जो है पड़े हैं या किसी कोई हमारे सामने अपोजिट सर्कमस्टांसिस है, तो अगर हम एजुकेटेड हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि एजुकेशन आपको केवल और केवल बुकिश नॉलेज ही नहीं देता, आपको कहीं ना कहीं व्यावहारिक नॉलेज भी देता है, जो हम अपने व्यवहार में करते भी हैं और अपने व्यवहार में चीज़ें देखते भी हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर देखा जाए तो समस्या का समाधान निकालते हैं और अपने विचार हम प्रकट करते हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो विद्यार्थी कुछ विशिष्ट तथ्यों के माध्यम से, कुछ बातों के माध्यम से किसी न किसी एक जो है शुद्ध ज्ञान तक पहुंचते हैं विचार विमर्श के माध्यम से, ठीक है ना। क्योंकि जितने थॉट्स प्रोसेस आएंगे तो मेरा ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं एक सही तरीके का और प्योर नॉलेज हमारे सामने लेके आएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि विचार विमर्श के कुछ तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, मींस द एसेंशियल कॉन्टिन्यूज ऑफ अ डिस्कशन। वो क्या है? जॉनसन के माध्यम से, जॉनसन महोदय ने ये कहा है कि विचार विमर्श जो प्रोसेस है उसकी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले एक नेता, अ लीडर, मींस जब हम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम ग्रुप में डिस्कशन करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, समझ रहे हो। उसी तरीके से जैसे अगर हमारे हम अपने दैनिक जीवन में ही जाएं, अगर हमें खाना बनाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर वे से क्या होना चाहिए? एक किचन होना चाहिए, सामान तो होना चाहिए, यह खाना वैसे ही बन जाएगा? नो, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए जिस पर हम क्या कर सकें, खाना तैयार कर सकें। इट मीन्स रसोई भी चाहिए, उसके लिए बर्तन भी चाहिएगा, उसके लिए मतलब एनीथिंग जिसके माध्यम से हम फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसी तरीके से विचार विमर्श जो प्रक्रिया है वो भी कुछ साधनों पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है ना। क्योंकि तभी तो चलेगा विचार विमर्श, ऐसे थोड़ा चलेगा। जिसमें क्या है, जॉनसन महोदय कहते हैं सबसे पहले एक नेता, यानी कि देखिए विचार विमर्श विधि में अध्यापक एक नेता के रूप में होना चाहिए, लीडर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि विचार विमर्श प्रक्रिया एक अध्यापक ने अपने टाइम पीरियड में देखी भी है और एक अध्यापक को उस प्रक्रियाओं के, उन प्रक्रियाओं के बारे में क्या होता है, ज्ञान भी होता है, नॉलेज भी होता है। इसके साथ साथ अध्यापक उस पूरी प्रक्रिया में जब विचार विमर्श चल रहा है तो एज अ लीडर की क्वालिटी तो निभाए, साथ साथ ऑब्जर्व भी करे कि जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो किस तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो है अध्यापक इसके अंदर विद्यार्थियों को विचार विमर्श प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या करे, प्रेरित भी करे, ठीक है ना, और उनको स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त करने का क्या अवसर भी प्रदान करें। क्योंकि तभी तो बातें निकलती हैं। अब मैं कोई टॉपिक आपके सामने जो है अगर रखूंगा तो कहीं ना कहीं अगर उस टॉपिक पे आप अपने विचार तो दोगे या नहीं, तो इट मींस कहने का मीनिंग ये है कि विचार विमर्श प्रक्रिया के अंदर अध्यापक एक नेता के रूप में होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या एलिमेंट है, वो है एक समूह, आ ग्रुप, एक समूह आ ग्रुप। देखिए विचार विमर्श प्रक्रिया में जो अगर देखा जाए तो ग्रुप का होना भी बहुत जरूरी है, समूह भी होना चाहिए। साथ साथ यदि समूह होगा तो विचार निकलेंगे, संख्या होगी। समूह से क्या मीनिंग है, ग्रुप से क्या मीनिंग है, संख्याओं। क्योंकि एक व्यक्ति का विचार एक होता है, अगर दो विद्यार्थी बैठे हैं उनका विचार डबल हो जाएगा, थ्री बैठे हैं तो उनका ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि इट्स अ मल्टीपल डायमेंशन
इट्स अ मल्टीपल प्रोसेस, इसीलिए इसको ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि यदि ग्रुप नहीं होगा तो विचार विमर्श कैसे होगा, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग हमारा यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। और किसी भी विद्यार्थी की ग्रुप में अवहेलना नहीं करनी चाहिए, जो वो विचार व्यक्त कर रहा है हो सकता है उससे उसने किसी, जब वो टॉपिक पर बात कर रहा होता हो सकता है उसने किसी तथ्य के आधार पर, किसी फैक्ट के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए हों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम इस टॉपिक को, बाकी कल इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन।